बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मस्त फूड में आपको खुशामदीद। आज हम बनाना सीखेंगे आलू का पराठा, लेकिन एक अलग अंदाज में। ये पराठा बहुत ही मज़ेदार, क्रिस्पी और यमी होता है। ख़ास करके बच्चों को तो बहुत ही पसंद है, क्योंकि ये हेल्दी और डिलीशियस है। इसे हम पिज़्ज़ा पराठा भी कह सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। पहले 3 आलू को बॉईल करें और उन्हें मैश कर दें। फिर इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। लाल मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च, भुना कुटा जीरा, हरा मसाला, चाट मसाला, लेमन जूस और नमक। आलू में तमाम मसाले शामिल करने के बाद इसे एक तरफ रखें और एक ऑरेंज सॉस बनाएंगे, जिसके लिए हमें चाहिए मायोनीज, चिली गार्लिक सॉस, चिली सॉस और मस्टर्ड पेस्ट। इन तमाम अज़ा को अच्छी तरह मिक्स करके हम यह ऑरेंज सॉस बनाएंगे। 1 कप दही में कुटा हुआ जीरा, कुटी हुई काली मिर्च और नमक शामिल करके हम ये रायता बनाएंगे। फिर आटे के 2 पेड़े बनाकर उन्हें बेल लेंगे और उसके ऊपर आलू का जो अमेजा हमने बनाया था उसे अच्छी तरह फैला देंगे। वो फैलाने के बाद हम इसके ऊपर दूसरी रोटी डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से किनारों से सील करके तवे पे सेक देंगे। एक साइड सीखने के बाद इसको पलट देंगे और दूसरी साइड सीखेंगे। जब दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा सीख जाए तो उसके नीचे वाले हिस्से में घी लगा देंगे। घी लगाने के बाद उसे फिर थोड़ा पलट देंगे और इस तरह से ये दोनों तरफ से इसको गोल्डन कर देंगे। लीजिए जनाब, हमारा पराठा रेडी हो गया। अब हम इसके बीच में से एक कट लगा लेंगे कुछ इस तरीके से। ये देखिए, सिर्फ एक हिस्से में हमने इसके कट लगा दिया है इस तरह। अब आती है इसके मैजिक की बारी। इसके 4 हिस्सों में ऑरेंज सॉस, सैलेड, रायता और मोज़रेला चीज़ डालकर कुछ इस तरह से हम इसको फोल्ड कर देंगे। जैसे कि ये दोनों हिस्से एक तरफ गया, फिर हम रायते वाले हिस्से के ऊपर इसको ले आएंगे और इधर से मोज़रेला चीज़ जो डाला था उसको इस तरह से वरप करेंगे। फिर टूथपिक के साथ इसको अच्छी तरह कवर करके 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लेंगे। लीजिए जनाब, मज़ेदार पिज़्ज़ा पराठा रेडी है, जो कि आलू वाला पराठा भी कह सकते हैं इसे हम, पिज़्ज़ा पराठा भी कह सकते हैं। ये खाने में बेहद लजीज और मज़ेदार है। बच्चे स्पेशली इसे बहुत शौक से खाएंगे। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, सुबह में नाश्ते के लिए और ऑफिस गोइंग के लिए दिस इज़ द बेस्ट। और मेरी वो बहनें जिनके पास माइक्रोवेव नहीं, वो ये पराठा किस तरह बनाएंगे, वो भी सेम मेथड यूज़ करेंगे। एक रोटी बेलें, उस पर एक साइड पे आलू वाला मसाला डालें, दूसरे साइड पे ऑरेंज सॉस डालें, आलू के मसाले के ऊपर अपनी पसंद का सैलेड डालें, उसके ऊपर हम रायता डालेंगे, फिर दूसरे साइड पे क्रश चिली और मोज़रेला चीज़ के कुछ स्लाइसेस डाल के इस पराठे को इस तरह से फोल्ड कर देंगे, जैसे कि ये मैंने किया है। और इसके कॉर्नर्स को अच्छी तरह से पैक करके यानी सील कर दें और इसे तवे पे सेक दें। जब एक तरफ से सिक जाए तो उसका साइड पलट कर दूसरी तरफ भी सेक लें उसी तरह से। अब इसमें घी लगाकर अच्छी तरह से दोनों साइडों से सेक लें, जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। जब ये दोनों तरफ से सिक जाए तो इसे इस तरह से कट कर लें। लीजिए, मज़ेदार पिज़्ज़ा पराठा रेडी है। ओवन के बग़ैर भी, माइक्रोवेव के बग़ैर भी आप ये पराठा बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। ये उतना ही मज़ेदार होगा जितना कि हम माइक्रोवेव में बनाते हैं। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी आराम से आगाह करें। बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ये पराठा ज़रूर बना के अपने बच्चों को दें, उनके लंच बॉक्सेस में, अपने हस्बैंड को बना के दें ऑफिसेस के लिए, या इवनिंग में बना के दें। इन द मॉर्निंग भी आप इस पराठे को नाश्ते के तौर पर यूज़ कर सकते हैं।